वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों बदमाश या तो अंडरग्राउंड हो गए हैं या फिर खुद ही थानों में पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। जिस खाकी को बदमाश पहले आंखें दिखाया करते थे, उसी खाकी को देखते ही अब उन्हीं बदमाशों के पसीने छूट जाते हैं। ऐसा सिर्फ हो पाया है योगी सरकार में ही। दरअसल सत्ता में आते ही योगी सरकार ने अपराधियों को अल्टीमेटम दे डाला था, या तो अपराध छोड़ दो या फिर उत्तर प्रदेश। जिसके बाद बदमाश लगातार या तो सरेंडर कर रहे हैं या फिर यूपी पुलिस की गोली का शिकार हो रहे हैं। अब पुलिस के कंधों के सहारे चल रहे इस कुख्यात अपराधी को ही देख लीजिए, जो लगातार नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वारदातों को अंजाम दे रहा था, बल्कि पुलिस को हर बार चकमा देकर फरार भी हो जाता था। जिसके बाद यूपी पुलिस ने कुख्यात अपराधी बंटी को पकड़ने का प्लान बना डाला और पहले इसके 3 साथियों को पकड़ा और उन्हीं की मदद से बंटी को पकड़ने का जाल बिछाया गया। पुलिस के मुताबिक जैसे ही उन्हें बंटी के आने की सूचना मिली, उसके तुरंत बाद चेकिंग शुरू कर दी और परिचौक के पास पुलिस ने बंटी की कार को घेर लिया। अपने आप को घेरता देख बंटी ने पुलिस पर ही फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसे देखते हुए पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक गोली बंटी के पैर में जा लगी और वो घायल हो गया। ये बदमाश जो है पुलिस पार्टी की फायरिंग की जवाबी काउंटर एक्सचेंज में इसके पैर में गोली लगी है, इसको अस्पताल भेजा गया है। प्राथमिक पूछताछ में इसने अपना नाम बंटी बताया है। इसके ऊपर लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। ये पूर्व में भी इसके 3 साथी जेल भेजे जा चुके हैं, जिसमें एक साथी अभी 2 दिन पहले ही पुलिस मुठभेड़ में जेल भेजा गया है। ये बहुत ही शातिर लुटेरे हैं। इनके पास से 2 मोबाइल, तमंचा, कारतूस, 1 कार बरामद हुई है। इसकी अन्य क्रिमिनल हिस्ट्री के विषय में भी हम पता कर रहे हैं। पूरा गैंग जो है बीटा 2 पुलिस द्वारा भ्रष्ट किया गया है और इसके विरुद्ध हम गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई कर रहे हैं। ये कुख्यात अपराधी लूट, डकैती और चोरी की वारदातों के कई मामलों में फरार चल रहा था और हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग भी निकलता था। लेकिन इस बार बंटी यूपी पुलिस को चकमा नहीं दे पाया और हो गया पुलिस की गोली का शिकार।